एंड सोलर सिस्टम इन्वर्टर और स्टेबलाइजर। इसके अंदर बहुत सी ये झटका मशीन है, जैसे ये झटका मशीन 10 एकड़ में अपन लगा सकते हैं इसको, तो 10 एकड़ 12 एकड़ 15 एकड़ 2-5 एकड़ अपन इस पीसीबी के अंदर या ट्रांसफार्मर फेर बदल करके इसको थोड़ा आउटपुट ज़्यादा कम कर सकते हैं। जैसे ये पीसीबी लोग क्या करते हैं, जो मशीन बनाते हैं बेचने वाले हैं, ये मशीन तो हम खुद ही बनाते हैं पूरा ही, ये नाम है, नाम साफ नहीं आ रहा है, इसी नाम से ही बनाते हैं हम, मेरे नाम की खुद की है पीसीबी है। तो ये ऐसी वर्जन कहते हैं, इसे बैटरी से चलता है, यहाँ बैटरी लग जाती है, और आवारा पशु या घरों में बंदर परेशान करते हैं या फिर कोई गार्डन में जैसे पशु परेशान करते हैं उनके लिए ये मशीनें होती है। रुक रुक के इसके पल्स के हिसाब से झटका आता है। तो ये आज मैं वीडियो ये आपको इसीलिए बता रहा हूँ, इन मशीन की वायरिंग यदि बाई चांस कभी खुल जाती है या आप खोल दे तो नहीं करना चाहते हो, तो वायरिंग किस तरह की जाती है इस मशीन की, और उनके बाद के अंदर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इस मशीन का करंट कैसे बढ़ाया जाता है या फिर इसकी पल्स जो है कैसे बढ़ाई जाती है, जैसे पर सेकंड के हिसाब से पल्स आती है या 2 सेकंड में 1 बार आती है या 1 सेकंड में 2 बार आती है, इस तरीके का जो है वर्जन अपन घटाते बढ़ाते हैं इसके अंदर। जो एन पी सी पी के अंदर जैसे ये रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ये रेजिस्टेंस जैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे उस हिसाब से इसका करंट बढ़ता घटता है। तो ये पीसीबी डीसी मशीन से भी ये अलग तरीके की है, उसमें इतना झमेला नहीं जितना इसमें झमेला ज़्यादा है। तो ये समझ में बहुत कम लोगों को आती है कि इसमें पल्स कैसे बढ़ाते हैं, पल्स कैसे नापी जाती है, करंट कितना ये आउटपुट कर रहा है, ये आउटपुट सही करता है तो ट्रांसफार्मर चलेगा, नहीं तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो ये 12 वोल्टेज से चलने वाला डिवाइस है समझो आप। तो इनके आप पहली बात ये समझनी है आपको, किसी भी मशीन किसी भी सर्किट को देखते समय एक ध्यान रखना है, जो ये कैपेसिटर लगता है बड़ा कैपेसिटर, ये 4 डायोड है, 4 डायोड के बाद में ये कैपेसिटर, किसी क्या प्लेट डिज़ाइन करवाते हैं वो अलग अलग करवाते हैं सब, तो उनमें अपने को यही ध्यान रखना है, जो ये बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है, कई 1000 UF का लगाते हैं, कई 2200 का लगाते हैं, कोई 450 UF का लगाते हैं, तो अपने को यही ध्यान रखना विशेष, जो बैटरी के जो 2 तार आते हैं सीधे प्लस और माइनस, उसी को अपने को इस कैपेसिटर से जो लिंक होता है इन होल का, उसी लिंक में देना है प्लस और माइनस। जहाँ ये आप बैटरी का प्लस माइनस यहाँ दे दोगे, उसके बाद में इस पूरे सर्किट के अंदर करंट की सप्लाई हो जाएगी। ये इतना भाग तो सिर्फ चार्जिंग का है, बैटरी चार्ज करने का, और इतना भाग है जो ये हॉर्न बजाने के लिए, जो सायरन बजर होता है उनके लिए है। तो चार्जिंग के अंदर इन रिले का बाकी डायोड का कोई लेना देना नहीं है, और ये चीज़ सिर्फ चार्जिंग के लिए, इसीलिए यहाँ जो इन डायोडों से सीधा, इन जो डायोड है इनसे सीधा कनेक्ट इधर होता है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है, ये ट्रांसफार्मर, जहाँ ये आप इसे देख सकते हो डायोड से सीधा लिंक होगा वो। उसके बाद के अंदर जो हॉर्न लगने वाली जगह है, जो ये हॉर्न लगता है, जो इस रिले का कनेक्शन यहाँ आता है, वहाँ अपने को ध्यान रखना है, जहाँ रिले से एक कनेक्शन आता है, अर्थात आप इस हॉर्न का कहीं भी कर सकते हो, और प्लस का यहाँ से लगा करके वहाँ आना चाहिए रिले का, ये ध्यान रख कर ये हॉर्न का हो जाता है। और यहाँ ये लाइन क्यों दी जाती है इसके अंदर, कि जो ट्रांसफार्मर से ये वायर, एक वायर निकलता है, एक तो सीधा आउटपुट हो गया प्लस के अंदर, दूसरा रहा माइनस का, माइनस का कैसे करना है, हॉर्न बजाने के लिए सिर्फ इसको घुमाना है सर्किट के अंदर, यहाँ गया और यहाँ से रिटर्न घूम करके वापस आया और वापस ये बाहर निकल गया। हॉर्न जब बजता है, जब आगे शॉर्ट होता है, तो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 100 ओम्स के, तो इन रेजिस्टेंस के ऊपर से करंट फ्लो होकर के इधर आ जाता है, इन डायोडों में डायोड प्लस माइनस बना करके इस रिले को देता है, रिले फिर सायरन बजाता है। जब तक मशीन ओके चलेगी, जब तक इन रेजिस्टेंसों की वजह से वो ऊपर ऊपर चलती रहेगी, जब वहाँ आगे करंट शॉर्ट होगा तो इन रेजिस्टेंसों के ऊपर से करंट आएगा तो वो हॉर्न बजता है। ये पूरा डिवाइस सिस्टम कल बताऊंगा आपको अगले वीडियो में कि इसका किस तरह, तो हॉर्न जल्दी बजाना है, लेट बजाना है, कैसा वैल्यू डालना है, अपने को क्या करना है, अपने को प्लस किस तरह डालनी है, जल्दी करनी है या धीरे करनी है।
ये इधर का वायरिंग होने के बाद में अपने को आधा सर्किट रह गया, ये झटके का सर्किट है इधर इधर का, जो यहाँ से लगा करके ये है सर्किट, ये झटका है। तो इन झटके के सर्किट में क्या करना, बॉस यहाँ जो एक 5 वोल्ट का एक जो रेगुलेटर लगता है इधर, इसके बाद में क्या होगा, माइनस तो इसका प्लेट का सीधा ही आ जाता है इधर से लगा करके यहाँ तक, माइनस तो सब जगह घुमा हुआ है, ये बैटरी का वायर लग गया समझो, माइनस यहाँ पहुँच गया। प्लस का वायर अपने को क्या करना, एक तार का टुकड़ा यहाँ जो बैटरी आती है अपन की, उन बैटरी के साथ में अटैच करना है तार का टुकड़ा, और उस तार का टुकड़े को यहाँ स्विच पे लाना है, यहाँ लाना है, यहाँ स्विच के माध्यम से इधर यहाँ पहुँचाना है अपने वायर को। जब क्या करेंगे, बंद करेंगे तो ये सर्किट आधा बंद हो जाएगा, तो मशीन बंद हो जाएगी, और इसमें जब करंट पहुँचेगा तो ये मशीन चालू हो जाएगी। ये तो इस सर्किट में तो करंट एनी टाइम रहता ही है वैसे भी। ये होने के बाद में जो दो तार इधर लगता है ये LED का है, और ये तीन तार लगते हैं ये ट्रांसफार्मर के। आपके यदि बाहर की साइड कभी लाइन क्या ख़राब हो जाती है यहाँ सोल्डिंग कर करके, तो आप उसको यहाँ जो ट्रांसफार्मर का तार है दो साइड वाले तार, बीच वाला तार तो छोड़ देना है अपने को, बीच वाला तार में तो क्या करना है इसको छोड़ देना है, और दो साइड वाले वायर हैं उन वायरों को एक इसमें कस देना है चाकी या नट कोई लगा करके, और दूसरा नट लगा के यहाँ कस देना अपने को, जैसे इन्वर्टर प्लेट में कसते हैं इस तरह कर देना अपने। ये कस दोगे जब इसमें प्लस आ जाएगी सीधी, और यहाँ से जब ऑन करोगे तो झटका इधर क्या करेगा, माइनस का झटका इसको पैदा करेगा, यहाँ से होता हुआ इसमें आएगा जब इसका करंट पैदा होगा। ये सायरन का है स्टैंड, और ये सायरन का वायर है। PCB अलग अलग तरीके की होती है, किसी में 2 रिले डालते हैं, किसी में 3 रिले डालते हैं, किसी में 4 डालते हैं, पर रिले डालने से कोई मतलब नहीं है, सर्किट सबका एक जैसा होता है, अपने को सिर्फ समझने में फ़र्क है। और ये उसके बाद में यदि आपको किसी भाई को समझ में नहीं आता तो पूछ सकते हो, और अगला वीडियो मैं बनाऊंगा इसका प्लस माइनस घटाने बढ़ाने का, करंट कैसे घटाते हैं कैसे बढ़ाते हैं, कितना वोल्टेज यहाँ पहुँचना चाहिए जब एक सर्किट काम करता उस हिसाब का सर्किट में अगला वीडियो बनाऊँगा। और इससे मैं लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और इसको जिस भाई को किसी को समझ में नहीं आता ये वीडियो शेयर भी आपको ज़रूर करना है। मेरे नंबर 9982558899 ANDSolar System।